से बड़ी खबर का रुख करते हैं। ढूंढ नदी की रफट पर बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। ये नदी लापरवाही पड़ सकती है लोगों के लिए भारी। तो रफट पर दोनों ओर पिलर और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने, और कई हादसों के बाद भी पीडब्ल्यूडी नहीं चेता है। तो ये डिपार्टमेंट पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ढूंढ नदी की रपट पर पानी बह रहा है, जान जोखिम में डालकर लोग इस नदी को पार कर रहे हैं, और लोगों की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग पर लोगों ने आरोप लगाए हैं अनदेखी के। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर इससे पहले भी इस प्रकार की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन फिलहाल इस पर कोई नजर नहीं बनाई हुई है। यानी ये लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो चाकसू से ये बड़ी खबर, जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं, लापरवाही भारी पड़ सकती है लोगों के लिए, जिसको लेकर रपट पर दोनों ओर पिलर के सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। चाकसू से मुकेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, ढूंढ नदी की रपट पर पानी बह रहा है और मौसम जब से बदला है, बारिश हुई है, उससे ज्यादा तस्वीरें जो है हालत बद से बदतर हुए। अब पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, गढ़वासी से ताजपुरा जाने वाली जो सड़क है उस पुलिया से ढूंढ नदी की रपट बनी हुई है उस पुलिया पर, जहाँ से अभी बारिश के मौसम में पानी का बहाव तेज है, और लोग यहाँ से जो निकलने का जो एक रास्ता है, मुख्य रास्ता है, वहाँ से निकलने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ऐसे में रपट पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो ये सड़क बनाई गई थी, इस पर किसी तरह के जो रपट पर दोनों पिलर और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। ऐसे में लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग लापरवाह बना देखा है, अनदेखी कर रहा है। ग्रामीणों की माने तो पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, जबकि ताजपुरा, मंडालिया मैदा, आनंदपुरा, बीकरवाड़, गोविंदपुरा, बुद्धिनाथपुरा, कनकटा, सकरखाबगा, बासरा सहित दर्जन भर गांव इस मुख्य रास्ते से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मुकेश, फिलहाल क्या कुछ इस पे पूरी जानकारी है, क्या किसी पे नजर डाली है प्रशासन ने, इस पर जो हालात हैं उसका जायजा लिया? जी, खबर चलने के बाद प्रशासन में निश्चित तौर पे खलबली है कि सचिव ने जिस तरह से ब्रेकिंग इस खबर को किया, उसके बाद में प्रशासन हरकत में तो आया है। हालांकि फिलहाल मौके पर कोई अधिकारी पहुंचने की जानकारी फिलहाल नहीं मिली, लेकिन अब जो खबर जो वायरल होगी उसके बाद निश्चित तौर पर अधिकारी मौके पर जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश पूरी जानकारी के लिए। तो चाकसू से ये बड़ी खबर, लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि रपट के दोनों और पिलर के भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, तो नदी पार कर रहे लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है।